हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं थर्मोडाइनमिक्स क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री का पहला वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे थर्मोडायने के कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बहुत बहुत मजा आने वाला है सुपर डुपर चैप्टर है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो सो लेट्स गेट स्टार्ट थर्मो क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर थर्मो मतलब हीट मतलब चेंजेस। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हीट एंड इट्स रिलेशन विथ एनर्जी एंड वर्क मतलब हीट एनर्जी वर्क इन्हीं के बीच में हम घूमते रहेंगे और हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि थर्मोडाइनेमिक्स जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो फिलहाल तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमारा फोकस रहेगा केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स अब केमिस्ट्री में होता क्या है केमिकल रिएक्शंस राइट और केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी चेंजेस ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं कैसे देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कहीं बॉन्ड बनते हैं तो कहीं बॉन्ड टूटते हैं राइट अगर बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होता है अगर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है राइट तो इसका मतलब है यहां पर एनर्जी चेंजेस जो है ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी केमिकल प्रोसेस का तो इस पूरे लेसन के अंदर कुछ ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं जैसे कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल प्रोसेस में हम किस तरह से एनर्जी चेंजेस को डिटरमाइन करेंगे कैसे निकालेंगे एनर्जी चेंजेस रिएक्शन होगा या नहीं होगा कौन बताएगा एनर्जी चेंजेस मान लो रिएक्शन होगा बट किस एक्सटेंड तक होगा किस हद तक होगा कौन बताएगा एनर्जी चेंजेस ओके तो अब थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ और हम ये देखेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स के जो ये लॉज हैं ये जो एनर्जी चेंजेस की हम बातें करेंगे दे आर ऑल एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ठीक है मैक्रो मतलब बड़ा माइक्रो मतलब छोटा है ना तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो ये पूरा एनर्जी चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है ठीक है अब आप सोचोगे कि ये मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आया तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे समझाऊँ चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं लेटर सपोज हम बात करते हैं इकोनॉमी की ग्लोबल लेवल पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ठीक है तो हम कैसे बात करेंगे हम कंट्री लेवल पे इकोनॉमी की बात करेंगे कि भाई इंडिया का इकोनॉमी कैसा है रशिया का इकोनॉमी कैसा है चाइना का इकोनॉमी कैसा है वगैरह वगैरह ठीक है अब जब मैं इंडिया लेवल पे इकोनॉमी की बात कर रही हूँ तब मुझे क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इंडिया में रहने वाला एक बंदा वो कितने पैसे कमा रहा है उसने कल तीस रुपये पानी पूरी खाने में खर्च कर दिए डज दैट मैटर नो no, क्यों क्योंकि मैं एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रही हूं मैं इंडिया लेवल पे इकोनॉमी की बात कर रही हूं इंडिया के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो बेसिकली दिस इज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेकिन वहीं अगर मैं ऐसे बात करूं कि इंडिया में रहने वाले एक फैमिली के फिनेंस की मैं बात कर रही हूं ठीक है लेटर सपोज मैं अपनी फैमिली के फिनेंस की बात हूं कि भाई मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूं राइट right? तो यहां पर जो मेरी फैमिली है उसमें फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल है सो इट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम तो थर्मोडाइनमिक्स में जो भी हम एनर्जी चेंजेस की बातें करेंगे ये सब कुछ कौन से वाले सिस्टम के लिए होगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब बड़ी चीजों के लिए होंगी जिसके अंदर ढेर 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 सारे मॉलिक्यूल्स हैं अब हम जान लेंगे स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स मतलब थर्मोडाइनेमिक्स कौन सी चीजें हमें बताएगा और कौन सी चीजें ये हमें नहीं बताएगा तो अगर हम स्कोप की बात करें तो इट विल टेल अस अ लॉट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बिल्कुल बताएगा काफी सारी प्रॉपर्टीज ये हमें रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा मतलब किसी भी रिएक्शन का होना फिजिबल है या नहीं पॉसिबल है या नहीं मान लो मुझे स्कूल जाना है ठीक है ठीक है जाना है लेकिन अगर स्कूल ही बंद है तो स्कूल पहुंच पाना फीजिबल ही नहीं है मेरे लिए मैं घर से निकल के पहुंच भी जाऊं स्कूल के गेट तक बट अगर स्कूल ही बंद है तो मैं स्कूल के अंदर तो जा ही नहीं पाऊंगी है कि नहीं अब मान लो अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रहा है अब मान लो मेरा स्कूल खुला हुआ है तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है अब लेकिन हो सकता है मैं आधे रास्ते तक गई और वहां पर ट्रैफिक जैम में फंस गई उसके आगे नहीं जा पाई हो सकता है कि मैं वन फोर्थ रास्ता कवर की और वहां पर देखा तो रास्ता रख में बिल्कुल ना गड्ढा खोद रखा है तो मैं उसके आगे जा ही नहीं पा रही हूं राइट right? तो मतलब किस एक्सटेंट तक वो रिएक्शन अकर करेगा वो भी हमें बताता है थर्मोडाइनेमिक्स तो अब देखते हैं लिमिटेशंस कौन सी चीजें ये नहीं बताता है सबसे पहला स्पीड ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कितनी तेजी से होगा इसके बारे में नो इंफॉर्मेशन पाथ ऑफ द रिएक्शन अब रिएक्शन होगा मतलब मुझे स्कूल जाना है अब मैं शॉर्टकट से जाऊं दीवार फांद के जाऊं या फिर लंबा रास्ता लेके स्कूल जाऊं इससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं रिएक्शन होगा या नहीं किस हद तक होगा वो भी बताएगा लेकिन कौन से पाथ से वो रिएक्शन हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मोडायनेमिक्स हमें माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट

अब थर्मोडाइनमिक्स में हम कहते हैं कि जो भी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है यानी कि जिस जो भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर आवर स्टडी उसे हम कहते हैं सिस्टम हम कुछ भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विद दिस वाटर इस पानी के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे वगैरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो पानी है वाटर दिस इज़ आवर सिस्टम और पानी के अलावा जो कुछ भी है दैट इज़ ऑल सराउंडिंग्स ठीक है और थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम कहते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड सब कुछ यूनिवर्स पे आ गया सो so, थर्मोडाइनेमिक्स का जो पूरा यूनिवर्स है इसमें दो ही चीजें होती है सिस्टम सराउंडिंग्स ठीक है और जो वॉल सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं बाउंड्री जैसे इस केस में ये जो ग्लास के जो वॉल्स हैं ये जो वॉल है ये इस पानी को इसके सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है तो ये हो गया मेरा बाउंड्री तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में तो सिस्टम जो है ये थ्री टाइप्स के होते हैं ओपन सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मैटर भी होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है एग्जाम्पल लेते हैं इस डब्बे का जिसके ऊपर लीड लगी हुई नहीं है ठीक है तो ये है ओपन सिस्टम क्यों इसके अंदर मैं सामान डाल सकती हूं इससे मैं सामान निकाल भी सकती हूं राइट right? तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होगा तो इसीलिए दिस इज एन ओपन सिस्टम लेकिन अगर मैं कर दूं इस डब्बे का ढक्कन बंद तो क्या होगा अब क्या मैं इसमें सामान डाल सकती हूं नहीं क्या मैं इसे सामान निकाल सकती हूँ नहीं तो एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अभी भी होगा अब अगर इसके अंदर मैं गर्म पानी रख दू थोड़ी ही देर में वो ठंडा हो जाएगा क्यों क्योंकि हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो अभी भी जारी है सो एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम अब अगर मैं बात करूं इस थर्मस प्लास्ट का तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर अगर मैं चाहूं क्या इसमें से सामान निकाल सकती हूं नहीं सामान डाल सकती हूं नहीं क्या इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है नहीं बहुत कम इट right? क्यों इसीलिए इसके अंदर जब मैं गर्म पानी रखती हूँ तो वो पानी बहुत देर तक गर्म रहता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी जो है यहाँ पर नहीं होती है हालांकि लेट मी आल्सो टेल यू कि ये जो थर्मस फ्लास्क है ये एकदम प्योर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है लेकिन जब आप लैब लेवल पे जाओगे जो लैब में आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हो वो प्योर आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है एक्सचेंज ऑफ मैटर बिल्कुल नहीं होता है तो ये थे हमारे थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम अब हम बात करेंगे थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस के बारे में ठीक है अब थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस क्या होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस कोई भी ऐसा चेंज uh, कोई भी ऐसा एक्शन कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिससे मेरे सिस्टम के स्टेट में कुछ चेंज आ जाता है जैसे कि मान लो जो मेरा सिस्टम है वो फ़िलहाल एक टेम्परेचर पर है कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर उसका प्रेशर चेंज हो गया या उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस तो यहाँ पर हम चार थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे पहला आइसोथर्मल आइसो मतलब सेम थर्मल मतलब हीट मतलब जो भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल ठीक है जो भी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसे हम क्या कहते हैं आइसोबारिक बार प्रेशर का यूनिट होता है है ना तो ऐसे याद रखना आइसोबारिक मतलब जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक कोर मतलब प्रेशर वॉल्यूम से लिंक्ड है और चौथा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस अब ये थोड़ा सा नाम अलग है कुछ आइसो होना चाहिए था बट है नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है ठीक है तो मतलब वो एक तरह से वो आइसोलेटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर अलाउड नहीं है और ऐसे जो वॉल होते हैं क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट करता है बाउंड्री या फिर वॉल तो उस वॉल को हम कहते हैं एडियाबेटिक वॉल एडियाबेटिक वॉल मतलब जो अपने थ्रू जो अपने से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता है ठीक है तो ये जो चार टर्म्स थे आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे जाके ना हम इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ अ सिस्टम सिस्टम क्या होता है वो तो समझ आ गया स्टेट ऑफ अ सिस्टम ये क्या होता है हमारे पास एक कार है ये एक व्हीकल है बिटिया के खिलौने काफी काम आते हैं वीडियोज बनाने में तो ये जो व्हीकल है अगर मैं पूछूं कि इस व्हीकल का करंट स्टेट क्या है तो वो बताने के लिए आप क्या क्या बताओगे जैसे कि आप बताओगे कि यार इसकी पोजीशन क्या है इसका ओरिएंटेशन क्या है ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है कैसे है इसकी स्पीड क्या है राइट right? तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताएगी कि इस व्हीकल का करेंट स्टेट क्या है करेंटली ये किस कंडीशन में है एग्जैक्टली तो exactly कुछ ऐसा ही हम कहते हैं जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बताती है कि सिस्टम का स्टेट कैसा है जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि एक सिस्टम का स्टेट कैसा है तो इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस तो चलो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं अबाउट स्टेट फंक्शंस तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जैसे जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस क्यों क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है स्टेट अ सिस्टम पर ना कि हाउ द स्टेट हैज बीन अचीव्ड ठीक है अस सपोज कि मेरे पास ये बॉटल है पहले इसमें इतना पानी था इसका वॉल्यूम इतना था ठीक है अब क्या हुआ इसमें हमने और पानी डाल दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया ठीक है तो हुआ क्या बेसिकली जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया वॉल्यूम चेंज हो गया तो सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो गया लेकिन ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टेट चेंज हुआ कैसे एज इन ये वॉल्यूम बढ़ा कैसे मतलब हो सकता है मैंने जो एक्स्ट्रा पानी है वो टैप से भरा हो हो सकता है बारिश का पानी डाल दिया हो हो सकता है समुंदर का पानी डाल दिया हो बट उससे वॉल्यूम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वॉल्यूम को सिर्फ किस बात से फ़र्क पड़ता है कि सिस्टम का फाइनल स्टेट क्या है फाइनल स्टेट क्या है इतना वॉल्यूम है दैट्स इट तो मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ द स्टेट हैज बीन अचीव्ड क्लियर तो अगर हम स्टेट फंक्शंस की बात करें तो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के अलावा डेंसिटी भी एक स्टेट फंक्शन है इसके अलावा कुछ और स्टेट फंक्शंस के बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा है ठीक है अब ठीक इसी तरह एक और फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पाथ फंक्शंस नाम से ही पता चल रहा है कि पाथ फंक्शंस वैसे फंक्शन हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि, कि किस तरह से वो स्टेट अचीव हुआ है कौन से पाथ से वो स्टेट अचीव हुआ है तो इनके एग्जाम्पल्स होंगे वर्क हीट ट्रांसफ़र दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ फंक्शन जैसे कि मान लो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर जाना है अगर आप सीढ़ी से जाते हो या अगर आप लिफ्ट से जाते हो दोनों केस में आपको अलग एफर्ट डालना पड़ रहा है हालांकि आप जा वहीं पर रहे हो राइट तो इसका मतलब आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की हीट ट्रांसफर कब होता है जब दो पॉइंट के बीच में जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है अब हम क्या देखते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच में डिफरेंट पाथ्स में डिफरेंट हीट ट्रांसफर होता है इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर है इट इज पाथ डिपेंडेंट मैटर करता है कि कौन सा पाथ हम फॉलो कर रहे हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए तो चलो अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूं पहले स्टेट फंक्शन से इन दिस वीडियो एंड दैट इज इंटरनल एनर्जी तो ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा बट आज पढ़ेंगे और मजा आएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है किसी भी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होता है द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी ठीक है अब ये इंटरनल एनर्जी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम थोड़ी ही देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा क्लियर तीसरी बात एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं मतलब भाई मैंने ये डब्बा दे दिया बोला इंटरनल एनर्जी है ये तो हम बता नहीं सकते ये हम determine नहीं कर सकते लेकिन हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में अब सवाल ये उठता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज कब होता है बहुत सिंपल है किसी भी सिस्टम के अंदर या तो मैटर आए या मैटर उस सिस्टम को छोड़ के चला जाए या तो उस सिस्टम के अंदर हीट आए या फिर हीट उससे निकल जाए या तो वो सिस्टम कुछ वर्क करे या फिर उस सिस्टम के ऊपर कोई वर्क करे तो इन सारे सिचुएशन में क्या होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है बट हैविंग सेड दैट इन सभी सिचुएशन में एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है और वो है द टोटल एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ द सिस्टम मतलब उस पूरे सिस्टम के अंदर जो नेट एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है मतलब बोलने का ये मतलब है कि अगर कहीं से कोई कुछ एनर्जी जा रही है तो कहीं और से कोई दूसरी एनर्जी आ रही है राइट right? तो बच्चों यहां पर मैं एक बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो ठीक है तो जब भी मेरे इस पर्स से पैसे बाहर जाते हैं तो क्या होता है पैसे जब इसमें से बाहर जाते हैं तो मेरा पर्स का बैलेंस क्या होता है कम होता है राइट यानी कि जो पर्स का बैलेंस है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है राइट ठीक उसी तरह से जब एक सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है जब हीट रिलीज होती है तो उस सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट तो इज नेगेटिव ठीक है ठीक उसी तरह से जब इस पर्स के अंदर पैसे आते हैं तो पर्स का बैलेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है पॉजिटिव हो रहा है तो जब भी किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के अंदर तो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से ठीक है तो इसका मतलब है कभी भी जब भी एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी तो डेल्टा यू नेगेटिव एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव आई एम श्योर अब आप इसे भूलोगे नहीं ठीक है अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब कभी भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं आइसोथर्मल बोले तो फटाफट याद करो आइसोथर्मल मतलब अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज जीरो सो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा यू इज जीरो क्यों क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं राइट तो एज अ रिजल्ट जो डेल्टा यू होगा मेरा वो जीरो होगा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा ही नहीं तो अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी थोड़ा और डिटेल में ठीक है तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो तीन सिचुएशन में आ सकती है एक सिचुएशन था कि सिस्टम कुछ वर्क करे या फिर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क करे ठीक है तो फिलहाल हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो अभी हम लेंगे एक एडियाबेटिक सिस्टम ठीक है एडियाबेटिक सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्यों क्योंकि उनके बीच में है एक एडियाबेटिक वॉल अब एडियाबेटिक सिस्टम सुनते ही बहुत से बच्चों को लगेगा कि अच्छा तो ये कुछ आइसोलेटेड सिस्टम टाइप का है नहीं फर्क है दोनों में एडियाबेटिक वॉल में और आइसोलेटेड सिस्टम के वॉल में फर्क है एडियाबेटिक वॉल जो है इट डजेंट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट बट इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ वर्क मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में अलाउ नहीं करता है बट वर्क के फॉर्म में अलाउ करता है लेकिन अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो ना तो हीट का ट्रांसफर अलाउ करता है और ना ही वर्क का ट्रांसफर अलाउ करता है तो तो ठीक है है ये क्लियर हो गया सबको बहुत बढ़िया तो अभी फिलहाल मेरे पास कैसा सिस्टम एडियाबेटिक सिस्टम है, है। यानी कि इसके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा लेकिन वर्क का ट्रांसफर हो पाएगा मुझे करना क्या है मुझे इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है मतलब सिस्टम के स्टेट को चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कुछ वर्क करके ही कर पाएंगे राइट क्योंकि वही हमारे पास एक लौता ऑप्शन है हीट ट्रांसफर का तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये एडियाबेटिक सिस्टम है तो हम वर्क कैसे करेंगे अब यहां भी मेरे पास दो ऑप्शन है या तो हम मैकेनिकल वर्क करें या फिर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें ठीक है कुछ यू समझो कि ये हमारा सिस्टम है जिसमें ये पानी है इस कंटेनर के अंदर एंड लेट्स से कि ये एक एडियाबेटिक सिस्टम है यानी कि ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं तो इसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ठीक है तो अगर मुझे इस पर मैकेनिकल वर्क करना हो तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक रॉड या स्टिक घुसाया और इसको हम चर्न करने लग गए ठीक है और ये सब कुछ हो रहा है एक एडियाबेटिक एन्वायरमेंट में ठीक है तो हम इसे चर्न करने लग गए जैसे हम इसे ऐसे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे तो क्या होगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस पानी का राइट यानी कि सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल वर्क का हमने कहा कि नहीं यार मुझे ना यूं स्टेयर नहीं करते रहना है तो हमने क्या किया अंदर डाल दिया एक इमर्जन रॉड इमर्शन रॉड हम सभी ने यूज किया है पानी गर्म करने के लिए राइट right? सो so, जैसे ही हम अंदर इमर्शन रॉड डाल देंगे तो क्या होगा इस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा राइट right? तो हमारा सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गया तो दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी पहले अगर U1 था अब हो गया U2 तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू दैट इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन चाहे मैंने मैकेनिकल वर्क किया या मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क किया दोनों ही केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज द सेम और कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर जे पी जूल ने और उन्होंने बताया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क एडियाबेटिक वर्क मतलब जो वर्क डन है इन एन एडियाबेटिक एक एडियाबेटिक सिस्टम में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब यहां पर आ खड़ा होता है अगला सवाल कि ये जो एडियाबेटिक वर्क है ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा क्योंकि ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनेमिक्स में राइट right? कि भाई हीट जा रहा है तो क्या होगा हीट आ रहा है तो क्या होगा वर्क डन अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा अगर हम पे कोई काम कर रहा है तो क्या होगा सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो चलो देखते हैं एडियाबेटिक वर्क यानी कि डब्ल्यू ए डी जिसे हम डिनोट करते हैं इसके साइन कन्वेंशन क्या है तो इसे हम फिर से इस पर्स के एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें ज्यादा टाइम तक याद रहे अब जब कोई हम पे पैसे खर्च करता है जब कोई मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा है यानी कि वो पैसे मेरे पर्स के अंदर आ रहे हैं तो मेरा पर्स का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है तो वैसे केस में क्या होगा व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन इज पॉजिटिव और जब कोई मुझसे पैसे खर्च करवाता है यानी कि मैं किसी के ऊपर पैसे खर्च कर रही हूं तो मेरे पर्स में से पैसे क्या हो रहे हैं मेरे पर्स में से पैसे जा रहे हैं राइट तो मतलब मेरे पर्स का जो बैलेंस है वो नेगेटिव होता जा रहा है तो उस केस में एडियाबेटिक वर्क इज नेगेटिव तो समझ गए वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव ओके okay. तो अब हमने इंटरनल एनर्जी चेंज करने का एक और दूसरा तरीका भी देखा था राइट right? थोड़ी देर पहले जब हमने कहा था कि अगर सिस्टम से हीट चला जाए या सिस्टम के अंदर हीट आ जाए तब भी जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो चलो अब उस सिचुएशन को देखते हैं तो इस सिचुएशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे अब के बार हम फिर से पानी लेंगे एक कंटेनर में बट नॉट विथ एडियाबेटिक वॉल्स बल्कि विथ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स यानी कि इस समय जो मेरा वॉल है ये हीट ट्रांसफर को अलाउ करेगा क्योंकि वही तो हम करना चाह रहे हैं हीट ट्रांसफर से हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है ठीक है तो इस सेटअप uh, में हम क्या करेंगे कि भाई हमने पानी ले लिया इस कंटेनर में इसके थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है एंड लेटर सपोज यहाँ पर जो पानी है इसके अंदर वो टेम्परेचर पे है T1 ठीक है अब इसे हमने डाल दिया एक रिजर्वोयर के अंदर एंड लेटर से कि इस रिजर्वोयर के अंदर का जो टेम्परेचर है दैट इज टी ठीक है और इस पूरे सेटअप को हम रखेंगे एट तो बेसिकली T1 और इस के अंदर है T2, कि temperature. जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा हीट ट्रांसफर तो अंदर हीट ट्रांसफर होगा और हीट ट्रांसफर होगा तो सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा तो यहां पर जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू जो है दैट विल बी इक्वल टू क्यू वेर क्यू इज द हीट दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर अब इसके बाद वही सेम सवाल कि यार ये जो क्यू है ना ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा बट मुझे लगता है अब सारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा याद करो पर्स वाले एग्जाम्पल को तो अगर मेरे पर्स से पैसे चले जाते हैं पैसे जब इसमें से निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है इसका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो जब सिस्टम से हीट चला जाएगा तो क्यू होगा नेगेटिव राइट right? उसी तरह जब सिस्टम के अंदर हीट आएगा पर्स में पैसे आएंगे तो क्यों होगा पॉजिटिव एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए इसका मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग जब हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा सिस्टम से हीट जा रहे हैं पर्स से पैसे जा रहे हैं तो होगा नेगेटिव और जब सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है तो सिस्टम के लिए तो अच्छा है पैसे पर्स में आ रहे हैं तो क्यों होगा पॉजिटिव तो अभी तक हमने देखा इंटरनल एनर्जी में चेंज कौन ला सकता है हीट ट्रांसफर और वर्क डन ठीक है तो अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा मैथमेटिकली मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है हीट पे भी क्यू पे भी और डब्ल्यू पे भी वर्क डन पे भी राइट right? और ये हो जाता है मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इन अ वे हमें ये कहता है कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं ध्यान देना आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि उसके पास ना तो एडियाबेटिक वॉल्स होंगे और ना ही थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा जो बाउंड्री वॉल होगा वो ना तो हीट का ट्रांसफर अलाउ करेगा और ना ही वर्क का ट्रांसफर अलाउ करेगा राइट right? तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी कंटेंट है कांस्टेंट। और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है अब यहां पर देखो एक बहुत ही सुपर डुपर इंटरेस्टिंग चीज हम नोट कर रहे हैं बोलो क्या ध्यान से ये एक्सप्रेशन को देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्या कुछ मजेदार नोट किया देखो मैं बताती हूं अगर डेल्टा यू की बात करो विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वॉट इज दिस दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन यानी कि ये सिर्फ स्टेट पे सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है कौन से पाथ से वो स्टेट हम पहुंचे हैं उससे इसे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे हम क्यू यानी कि हीट ट्रांसफर और W यानी कि वर्क डन को देखें तो ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन हैं है है ना इंटरेस्टिंग कि एक तरफ स्टेट फंक्शन लेकिन स्टेट फंक्शन जो है वो दो पाथ फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो अब तक हमने पढ़ा कि वर्क डन जो है दैट कैन कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ठीक है तो अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और डिटेल में कि कोई भी सिस्टम किस तरह का वर्क कर सकता है इनफैक्ट यहां पर हमारा फोकस जो है वो मैकेनिकल वर्क पे रहेगा टू बी मोर प्रेसाइज वी विल टॉक अबाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क अब आप सोचोगे ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है समझ में आएगा सब आराम से समझ में आएगा अभी के लिए ये समझो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इट इज द वर्क डन बाई एक्सपेंशन ऑफ अ गैस ठीक है कैसे समझ आएगा एक सेटअप के साथ हम एक सिलेंडर लेते हैं कुछ इस तरह का और इसके अंदर हम भर देते हैं वन मोल ऑफ आइडियल गैस ठीक है तो मैंने तो ये जुगाड़ू सेटअप ले लिया है अगर आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसमें पिक्चर दी हुई है इस सेटअप की ठीक है तो ये सिलेंडर है इसके अंदर वन मोल ऑफ आइडियल गैस है और दिस इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन हालांकि ये मेरा फ्रिक्शनलेस पिस्टन तो नहीं है बट एटलीस्ट दिस विल हेल्प यू टू तो विजुअलाइज द सेटअप ठीक है अब क्या हो रहा है अंदर जो गैस है सिलेंडर के इसका लेट से वॉल्यूम है वी आई और उसका जो प्रेशर है इंटरनल दैट इज पी ठीक है और इधर से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज पीई एक्स यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अब अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा ये पिस्टन जो है वो इनवर्ड मूव करेगा अंदर की तरफ मूव करेगा जब पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा तब क्या होगा देखो यू मूव करेगा तो क्या होगा जो अंदर का वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा राइट और ये पिस्टन कब तक मूव करेगा तब तक जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर पी के बराबर ना हो जाए ये तब तक मूव करेगा राइट right? तो सबको ये सेटअप समझ में आ गया बहुत बढ़िया तो चलो अब इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं तो लेट अस सपोज कि हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप सिंगल स्टेप बोले तो और कौन सी चेंज की बात कर रही हूं मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो पिस्टन है तो इनिशियली पिस्टन का ये पोजीशन था और उसके बाद पिस्टन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गया ठीक है तो ये जो चेंज है लेटर सपोज इट है सिंगल स्टेप वो एकदम से चेंज हो गया ठीक है तो इस केस में क्या हुआ पिस्टन कितना डिस्टेंस मूव किया पिस्टन पिस्टन मूव मूव किया डिस्टेंस ठीक है तो के करने से वॉल्यूम ऑफ द गैस में कितना चेंज आया तो वॉल्यूम चेंज कितना आया डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू कि ये लेंथ जितना ये पिस्टन ने कवर किया ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन तो लेटर सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए ठीक है तो ये हो गया सो दिस वॉल्यूम चेंज इज बेसिकली फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो अब जो वॉल्यूम हो गया और उसमें से जो इनिशियल वॉल्यूम था उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा हमारा वॉल्यूम चेंज ठीक है क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज आखिर हुआ क्यों है पिस्टन के मूवमेंट की वजह से करेक्ट ओके okay. अब हमें क्या पता है हमें पता है प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया है ना? तो उस लॉजिक से पिस्टन पे कितना फोर्स होगा फोर्स ऑन पिस्टन विल बी इक्वल टू तो प्रेशर इन टू एरिया एंड वॉट इज देश तो बेसिकली ये हो जाएगा पीईएक्स -E इनटू एरिया ठीक है अब लेट अस सपोज कि W जो है दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाई मूविंग पिस्टन क्योंकि जब यह पिस्टन मूव कर रहा है इससे क्या हो रहा है, इस system के work done हो रहा है. तो वर्क डन ऑन बाई मूविंग कितना हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू द डिस्टेंस कवर्ड है ना तो फोर्स इन टू डिस्टेंस कवर्ड कितना है कितना कवर कर रहा है यह पिस्टन एल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो F इंटू एल हो जाएगा और फोर्स कितना है यहां पे हमने निकाला था पीई एक्स इंटू ए इंटू एल ये हो जाएगा है कि नहीं अब उससे भी पहले हमने लिखा था कि A इंटू एल क्या है A इंटू एल इज बेसिकली डेल्टा V तो इसे हम लिख सकते हैं पीईएक्स इंटू डेल्टा V ठीक है यहां तक सबको समझ में आ रहा है सब बढ़िया चल रहा है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अब देखो यहां पर जो है ना साइन को लेके हम करेंगे थोड़ा सा घपला घपला तो क्या देखो मैं समझाती हूं ठीक है अब देखो यहां पर जो डेल्टा वी है डेल्टा वी क्या है चेंज इन वॉल्यूम अब यहां पर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है देखो पहले वॉल्यूम जो था इनिशियल वॉल्यूम इतना था राइट मतलब ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम था और ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स ये जो डेल्टा वी है दिस डेल्टा वी इज नेगेटिव इसका मतलब ये डेल्टा वी जो है दिस इज नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम मेरा घट रहा है है कि नहीं तो डेल्टा वी क्या होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से छोटा होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव ही होगा ना बहुत बढ़िया अब दूसरी तरफ ये हम निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं W और W क्या है वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर कोई पैसे खर्च करता है तो आपके पर्स में पैसे बढ़ते हैं राइट तो इसका साइन क्या होगा इस वर्क डन का साइन क्या होना चाहिए वर्क डन का साइन होना चाहिए पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ठीक है तो अब अगर वर्क डन को पॉजिटिव होना है और यहां पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा वी मेरा नेगेटिव है तो इस केस में कौन सी ऐसी जिससे हम वर्क डन को पॉजिटिव कर सकते हैं एक ही रास्ता है हमारे पास और वो है कि यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा दो माइनस पीईएक्स इंटू डेल्टा वी अगर हम ऐसे लिख देंगे तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन दोनों मिलकर के वर्क डन बना देगा पॉजिटिव राइट right? तो मतलब हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस केस में हम क्या देखते हैं सो दिस इज आवर वर्क डन तो बेसिकली मेरा वर्क डन कितना हो जाता है ये हो जाता है इन जनरल अगर मुझे लिखना हो सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी ठीक है अब देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हमने जो भी देखा दिस इज दिस बेसिकली शोज कि वर्क डन इज पॉजिटिव जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और ये कौन सा वाला सिस्... फेज है जब इस गैस का कॉम्प्रेशन हो रहा है राइट right? जब हम पिस्टन को इस तरीके से इन्वर्ट मूव कर रहे हैं तो मेरा गैस कॉम्प्रेस हो रहा है सो दिस इज बेसिकली द केस जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस की उसी तरह अगर हम एक्सपेंशन ऑफ द गैस की बात करेंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा तो उस केस में वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम तो उस केस में डब्ल्यू विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज उस केस में जो डेल्टा वी है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा राइट पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा सिर्फ डेल्टा वी का साइन चेंज होगा तो वर्क डन का साइन चेंज हो जाएगा बट ओवरऑल इन जनरल हम कहेंगे कि वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा ठीक है सबको क्लियर है ये तो ये मेरा कॉम्प्रेशन का सिचुएशन था और चलो एक्सपेंशन वाला सिचुएशन भी लिख देते हैं अगर हम गैस के एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उस केस में वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम उस केस में सिस्टम वर्क करेगा तो उस केस में मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी बट डेल्टा वी जो है उस केस में ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है तो फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम तो एज अ रिजल्ट मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में नेगेटिव एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम सिस्टम से वर्क कराया जा रहा है तो ऑब्वियसली सिस्टम के पर्स में पैसे कम हो रहे हैं तो वर्क डन विल बी नेगेटिव ठीक है तो सबको समझ आ गया और इसी वर्क डो इस वर्क डन को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्योंकि देखो सारा खेला यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज का ही है तो इसीलिए इस, इसका हमने नाम दे दिया है pressure, volume, work. तो मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क अब लेटर सपोज कि ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रेशर चेंज हो रहा था वो वन शॉट में हो रहा था राइट अभी तक हमने जो डेरिवेशन किया उसमें हमने ये एज्यूम किया कि पहले अगर पी था तो बाद में ये पी हो गया तो मतलब प्रेशर का जो चेंज है दैट इज अ वन शॉर्ट चेंज लेकिन लेट से कि अगर ये वन शॉट में चेंज ना हो के, अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स में धीरे धीरे चेंज हो ठीक है मतलब जैसे मान लो पहले स्टेप में वर्क डन हुआ मेरा माइनस पी डेल्टा वी दूसरे स्टेप में माइनस पी डेल्टा वी तीसरे स्टेप में माइनस पी डेल्टा वी ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में मेरे वर्क डन हो रहे हैं तो उस केस में मेरा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ माइनस डेल्टा वी राइट अच्छा अब एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि लेटर से कि ये छोटे छोटे डिस्क्रीट स्टेप्स में चेंज ना होकर अगर ये बहुत इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल स्टेप्स में कंटिन्यूस वे में चेंज हो मतलब कुछ समझ नहीं आया ये एग्जाम्पल लो सीढ़ी सीढ़ी में क्या होता है सीढ़ी नंबर वन सीढ़ी नंबर टू थ्री फोर फाइव ऐसे डिस्क्रीट है राइट अब सीढ़ी के बदले में अगर रैंप को सोचो तो रैंप कैसा है उसमें वन टू थ्री फोर डिस्क्रीट लेवल्स तो नहीं है बट इट इज लाइक अ स्मॉल चेंज थ्रू आउट राइट तो अगर यहां पर भी ये ये जो चेंज है लेट्स से से स्मॉल स्टेप्स में तरीके धीरे धीरे चेंज हो रहा है तब हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे तब समेशन के बदले में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एग्जैक्टली exactly. ऐसे ही सिचुएशन में तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू क्योंकि तो एग्जांपल है है? तो लेते हैं बलून का ठीक है अस सपोज हमारे पास ये बलून है मैंने क्या किया एक पिन लिया और भोग दिया क्या होगा बाम! फूट जाएगा बलून ऑब्वियसली राइट तो इसमें क्या हुआ ये चेंज कैसा था ये वन शॉट चेंज था राइट पिन भोका एंड भम राइट तो ये था मेरा वन शॉट चेंज एक दूसरा चेंज हो सकता है कि मैंने बलून को फुलाया ठीक है अब क्या किया मैंने जहां से बलून का हवा निकलता है वहां पे छोटा सा जगह खाली छोड़ दिया थोड़ा सा खोल दिया तो क्या होगा हवा धीरे 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 निकलेगा जिसकी वजह से जो बलून है वो धीरे 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 छोटा होगा राइट right? ये दोनों फर्क समझ में आया अब देखो जो पहला केस था जिसमें बलून वन शॉट में बम हो गया दैट इज एन इिवर्सिबल प्रोसेस तो इिवर्सिबल प्रोसेस वही होते हैं जिनको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं जो दूसरा सिनेरियो था दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है ना प्रोसेस बहुत ग्रेजुअली होता है बहुत ही इंफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होता है और किसी भी स्टेप में हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं जैसे यहां पर देखो बलून से हवा निकल रही है बट किसी भी स्टेप में आप इसके अंदर हवा डाल भी सकते हो तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ठीक है तो सबको समझ आ गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अब ये ध्यान देना कि जितने भी प्रोसेसेस नेचर में होते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर तो चलो अब हम मैथमेटिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन को निकालते हैं और वर्क डन को रिलेट करते हैं विद इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम तो बेसिकली यहां पर हमारा एम क्या है एम पता होना चाहिए भाई कि हम करने क्या वाले हैं तो हमारा एम क्या है टू रिलेट रिवर्सिबल वर्क डन विद इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम यानी कि विथ पी तो डब्लू रिवर्सिबल को पी के साथ रिलेट करेंगे ठीक है अब हमें क्या पता है जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प से इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी ऐसे ही निकालेंगे तो पी हमारा क्या है एक्सटर्नल प्रेशर डी वी और इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी वन टू वी टू ऐसा क्यों किया इंटीग्रेट ये तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था राइट क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको अगर हम फर्दर इसको ऐसे लिखे इसे हम किसके साथ रिलेट करना चाह रहे हैं हम इंटरनल प्रेशर के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं राइट है, right? तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं देखो इनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है करेक्ट उसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं इंटरनल प्रेशर प्लस डीपी इस केस में प्लस बिकॉज यहां पर पिस्टन अंदर मूव कर रहा है जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो पिस्टन बाहर मूव करेगा तब माइनस हो जाएगा है ना तो पी प्लस माइनस dP लिख सकते हैं इसको हम इनटू डीवी ठीक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी माइनस साइन तो रहेगा फ्रॉम वी वन टू वी टू अब आप पूछोगे कि मैंने डी को गायब कर दिया अब देखो पी इंटू डी हो जाएगा प्लस माइनस डी पी इन अब डी भी बहुत छोटा सा टर्म है डी भी बहुत छोटा सा टर्म है सो बेसिकली डी पी इंटू डी जो है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल तो वो नेग्लिजेबल हो जाएगा इसीलिए उस टर्म को मैंने गायब कर दिया है ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एनआर टी तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं एनआर टी बाई वी तो चलो लिखते हैं तो वर्क रिवर्सिबल मेरा क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई वी इंटू डी वी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी वन टू वी टू तो यहां पर अब देखो जो भी तब कांस्टेंट चीजें हैं उसको बाहर ले आते हैं तो माइनस एन आर टी को हम बाहर ले आए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वी इंटू डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वी क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ वी सो नेचुरल लॉग ऑफ वी वी वन लोअर लिमिट हो जाएगा वी टू अपर लिमिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी ये हो जाएगा एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन देखो ये मैं सिंपल मैथमेटिक्स कर रही हूँ अब आप बोलोगे कि मैम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक बेसिक कैलकुलस कैलकुलस का वीडियो बना रखा है तो चैनल में जाकर उसे चेक करो इनफैक्ट उसका लिंक भी मैं यहां पर दे दूंगी आपको तो एनआरटी ये क्या हो जाएगा अब नेचुरल लॉग ऑफ वी टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी वन इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसे अब देखो इसे हम फर्दर क्या कर सकते हैं अच्छा माइनस साइन को भूल गए यार माइनस साइन तो बाहर ही है तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी अब नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग वी टू बाई वी वन को बट उस केस में हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से वही रिलेशन होता है नेचुरल लॉग और लॉग बेस ई में ठीक है तो कुल मिला के मेरा जो ये रिवर्सिबल वर्क है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग वी टू यानि कि वी फाइनल बाई वी इनिशियल तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस तो मैथमेटिकली तो हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस देख लिया अब हम देखते ये हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस रिक्वायर्स मोर वर्क दैन एन इ रिवर्सिबल प्रोसेस अब यहाँ पे सब सोचेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है तो इसे समझने के लिए हम इसे थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं तो देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है प्रेशर वॉल्यूम का व्हाट इज वर्क डन इट इज माइनस पी डी करेक्ट तो मैथमेटिकली तो ये जो ग्राफ का जो एरिया अंडर द तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की प्रोसेस में क्या होता है वन शॉर्ट चेंज एक बार में चेंज हो जाएगा तो देखो अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो पी वन से पी टू जो है ना वो वन शॉर्ट में चेंज हो जा रहा है राइट right? तो इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व है वो कौन सा वाला एरिया है जो डार्क ग्रे कलर का रीजन है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व और उसका जो एरिया निकलेगा दैट इज आवर वर्क डन अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा देखो P1 से P2 जो है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है राइट right? तो एज अ रिजल्ट यहां पर जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है इसमें लाइट ग्रे वाला एरिया प्लस डार्क ग्रे वाला एरिया टोटल एरिया इज एरिया अंडर द कर्व तो फिर तो एरिया कौन से केस में ज्यादा हुआ तो एरिया ज्यादा हुआ रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में एंड देयर फोर जो वर्क डन है वो भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में राइट right? तो लॉजिकली भी अगर इसको सोचो तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो रिवर्स इन प्रोसेस है उसमें चूंकि पी वन से पी टू एकदम से हो गया तो जब V1 वन टू वी वॉल्यूम चेंज हो रहा है सो द प्रेशर इज लाइक अ कांस्टेंट प्रेशर P2 लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में P1 से P2 जो है वो धीरे 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 हो रहा है और उसी दौरान जो वॉल्यूम का चेंज है वो V1 वन टू वी हो रहा है ठीक है तो सबको क्लियर हो गया तो फटाफट फड़ से एक क्विक राउंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इ रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलोज अ रिवर्सिबल पाथ इसे हम वापस घुमा सकते हैं इ प्रोसेस फॉलोज इ रिवर्सिबल पाथ ये वापस नहीं घूम सकता है टेक्स इन फाइनाइट टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है तो कम टाइम लेता है रिवर्सिबल प्रोसेस इज इमेजिनरी प्रोसेस क्योंकि जैसा मैंने बताया सारे जो प्रोसेसिस नेचर में होते हैं दे आर ऑल इरिवर्सिबल इन नेचर रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे चेंज जो है ना थोड़ा थोड़े थोड़े स्टेप बाई स्टेप में होता है तो हर स्टेप में सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में बिल्कुल उल्टा होता है थ्रू आउट जो है इक्विलिब्रियम कहीं नहीं होता है सिर्फ बिगिनिंग में इक्विलिब्रियम होता है और एंड में इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑप्टेंट इज मैक्सिमम। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑप्टेंट इज नॉट मैक्सिमम ये तो हमने अभी अभी ग्राफिकली देखा अब बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्री एक्सपेंशन का मतलब मतलब एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम वैक्यूम बोले तो ये वाला सेटअप याद है डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले तो वैक्यूम जब होगा ना तो बेसिकली ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना ये हो जाएगा जीरो ठीक है तो जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन का क्या होगा वर्क डन तो प्रेशर पे डिपेंड करता था तो वर्क डन हो जाएगा जीरो राइट right? तो इसका मतलब चाहे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं या इन प्रोसेस की बात करूं लेकिन अगर मैं वैक्यूम की बात कर रही हूं अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात कर रही हूं तो वर्क डन विल बी जीरो देखो हमने क्या देखा वर्क डन क्या होता है माइनस पीई एक्स इंटू डेल्टा वी ठीक है तो जब फ्री एक्सपेंशन की हम बात करेंगे तो मेरा पीई एक्स जीरो हो जाएगा तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा राइट तो इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की भी बात करें तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यही होता है तो जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये डब्ल्यू तो जीरो हो जाएगा तो यानी कि उस केस में डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू अच्छा अब इस समय जो प्रोसेस है इफ द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे भी हमें काम आने वाला है तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हैज एवरीथिंग टू डू विथ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम राइट मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो हीट ट्रांसफर है दैट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर और ये पॉइंट ये है कि जब भी हम आइसोथर्मल चेंज की बात करेंगे आइसोथर्मल बोले तो कोई भी चीज जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ठीक है तो आइसोथर्मल चेंज में डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो क्यों क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है किसकी वजह से होता है इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से उसका इंटरनल एनर्जी होता है अब पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है राइट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बढ़ जाता है राइट right. तो अब अगर मैं कह रही हूं कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी भी मेरा कांस्टेंट रहेगा अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन की बात अगर हम करें आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आइसोथर्मल चेंज है मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक है तो इसका मतलब इस केस में आइसोथर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू राइट तो अगर मैं इरिवर्सिबल चेंजेस की बात करूं तो q इज इक्वल टू माइनस डब्लू विच इज इक्वल टू पीई एक्स इंटू डेल्टा वी है ना और अगर मैं रिवर्सिबल चेंजेस की बात करूं तो उस केस में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W क्या होता है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआर लॉग वी टू बाई वी वन राइट तो सिंपल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में हम Q की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं एडियाबेटिक चेंज की तो एडियाबेटिक चेंज मतलब वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा यानी कि Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जब Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अब Q की जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी तो यानी कि डेल्टा U विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इसे हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क डन यहां पर हम देखते हैं फटाफट से एक एक्साम्पल टू लीटर्स एन आइडियल गैस एट अ प्रेसर ऑफ टेन एटमोसमली टेन लीटर्स हाउ मच हिट इज एब्सॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन कंसिडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोसफेयर कंसिडर द सेम एक्सपेंशन फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली ठीक है तो तो तीन दिए हुए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट हैं इसमें कह रहे हैं कि कैसा एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल इन टू वैक्यूम इस पर फोकस करना है एक्सपैनशन इंटू वैक्यूम एक्सपेंशन की बात कर रही हूं मैं बात कर रही हूं फ्री एक्सपेंशन की अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात कर रही हूं इसका मतलब पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो राइट वर्क डन जीरो हो जाएगा है ना क्योंकि पी एक्सटर्नल जो है दैट इज जीरो एंड वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी तो पी ही जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो हो गया है कि नहीं अच्छा वर्क डन तो निकल, निकल गया अब मुझे हीट एब्सॉर्ब भी निकालना है यानी कि क्यू भी निकालना है अब चूंकि यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यू भी यहां पर जीरो होगा तो फिर अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से डेल्टा यू is इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अब देखो यहां पर W भी जीरो हो गया डेल्टा U भी जीरो अब दूसरे केस की बात करते हैं अब हम सेम एक्सपेंशन को कंसिडर करेंगे बट दिस टाइम अगेंस्ट अस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फियर यानी कि इस बार एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है वन एटमोसफियर ठीक है तो इस बार क्या होगा वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी ठीक है यानी कि माइनस वन इन डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ठीक है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है टू लीटर्स तो ये जो टू लीटर्स है दैट इज इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या है टेन लीटर्स तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो ये हो जाएगा माइनस एट तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ये लीटर में है और ये एटमोस्फेयर में है तो ये हो जाएगा लीटर एटमोस्फेयर ठीक है तो ये हो गया मेरा वर्क डन। अब बात करते हैं क्यू की यानी कि हीट की तो हीट कितना होगा यहां पर हीट के लिए हम वापस से इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे फर्स्ट लॉ का सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यहां पर हम फिर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हैं राइट right? तो इसीलिए डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा देयर फोर क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू तो यानी कि क्यू हो जाएगा एट लीटर एटमोस्फेयर तो ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की ये कहता है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली अब रिवर्सिबल वर्क डन हम कैसे निकालते हैं माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन एन आर टी एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कितना है वन मोल सो वन इन आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट जीरो इस टेम्परेचर विच इज़ टू केल्विन क्योंकि वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इन टू लॉग वी टू दैट इज वी फाइनल बाय वी इनिशियल ठीक है तो इसको कैलकुलेट अगर हम कर लेंगे तो हमारा वर्क रिवर्सिबल निकल जाएगा तो एक बार वर्क रिवर्सिबल निकल जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल सिंपल अब तक हमने कई जगहों पे आइसोथर्मल कंडीशंस की बात की यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है जितनी देर हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे हर जगह हम बात कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम की लेकिन 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 जो प्रोसेसेस हमारे आसपास होते हैं उनमें ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और ना ही टेम्परेचर राइट तो आप कुछ भी प्रोसेस ले लो कुछ भी छोटी से छोटी चीज ले लो चाहे आप पतीले में पानी गर्म कर रहे हो आप सूप बना रहे हो दाल बना रहे हो जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंट क्या रह रहा है प्रेशर राइट तो मोस्ट ऑफ द ओपन एयर प्रोसेस उनमें कांस्टेंट रहता है प्रेशर लेकिन हमने तो अब तक कांस्टेंट प्रेशर की बात ही नहीं की तो इसीलिए हियर वी इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन जिसे हम कहते हैं एंथेल्पी तो इसके बाद हम जो भी बातें करेंगे इसमें हम कॉन्स्टेंट प्रेशर की बातें करेंगे तो लेट्स सी व्हाट इज एंथेल्पी तो सो so फार हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक है लेकिन अब हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के सिचुएशन की ठीक है तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो मेरा ये जो Q है दैट इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर वो हो जाएगा QP अच्छा ये जो वर्क डन है वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है ये होता है माइनस पी डेल्टा बी ठीक है सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू ठीक है डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इसे हम यू टू माइनस यू वन लिख सकते हैं मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी सो दिस इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी इन डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन ठीक है तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे जो टू वाले टर्म्स हैं उनको साथ में ले आएंगे तो क्यू पी विल बी इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन ठीक है और यहां पर U प्लस पी वी इसी को हम डिफाइन करते हैं एज एंथैल्पी जिसे हम डिनोट करते हैं H से ठीक है तो उस हिसाब से हम QP को क्या लिख सकते हैं H2 टू माइनस एच यानी कि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी तो इसे हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है तो अब जो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ये लिख सकते हैं अब ये जो है आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ठीक है ये क्लियर हो गया चलो अब बात करते हैं डेल्टा एच के साइन के बारे में तो डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हीट रिलीज होता है हीट निकलता है तो मतलब ये अगर आपका पर्स है पर्स से जब पैसे चले जाते हैं तो पर्स का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है उसी तरह जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाती है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और जब सिस्टम के अंदर एनर्जी आती है तब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस अब हम ये नोटिस करते हैं कि डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथेल्पी इन दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्यों क्योंकि सॉलिड्स या लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो इनके वॉल्यूम में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है और अभी अभी हमने मैथमेटिकली देखा कि डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी तो अगर वॉल्यूम में खास चेंज नहीं होगा तो पी डेल्टा वी वाला पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा गायब तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं तो इसीलिए गैसेस के केस में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन दोनों में काफी फर्क होता है तो चलो लेट्स लुक एट इट मैथमेटिकली फॉर गैसेस तो चलो गैसेस की बात करते हैं अस सपोज uh, हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें सिर्फ गैसेस हैं। मतलब सारे रिएक्टेंट्स गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं। तो अस से वी ए जो है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट्स ठीक उसी तरीके से वी बी जो है दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट्स इन अलर वे एन ए जो है दट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स और एन बी जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट ठीक है तो अब हम कौन से सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं भाई कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की फिलहाल ठीक है तो हमने क्या पढ़ा है आइडियल गैस लॉ के हिसाब से आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है तो यहां पर पी वी ए विल बी इक्वल टू एन ए आर टी ठीक है ठीक उसी तरीके से पी वी बी विल बी इक्वल टू एन बी आर टी अब आप सोच रहे हो कि पी और टी सेम क्यों रखा है क्योंकि हम कॉन्स्टेंट प्रेशर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं और हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा पी इंटू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए टू आर टी तो इसे हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी ठीक है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन बताया था कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा वी ठीक है ये रिलेशन बताया था मैंने तो यहां पर हम क्या करेंगे P डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा N आर टी तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N आर टी और इस डेल्टा N के नीचे ना हम एक G लिख देते हैं विच मीन्स की इट इज अबाउट गैसेस ठीक है तो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस ठीक है तो यहां पे ध्यान रखना है डेल्टा एन क्या है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स एंड गैशियस रिएक्टेंट्स ठीक है तो आप देखना ये जो फॉर्मूला है ये आगे बहुत काम आने वाला है वाई यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स तो चलो फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं इफ वॉटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस मोलर चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट वन बार एंड एंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज किलो जूल पर मोल कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज वेन मोल ऑफ वाटर इज एट बार प्रेशर एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे दिया हुआ क्या है मोलर एंथेल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है ठीक है डेल्टा एच इज गिवेन एज फोर्टी वन जूल मोल इनवर्स और यहाँ पे हो क्या रहा है हम वेपोराइज करना चाह रहे हैं यानी कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसे हम वेपर फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं ठीक है।, है मुझे निकालना क्या है मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है ठीक है तो मुझे कौन सा एक्सप्रेशन पता है यहां हम यूज करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इसको यूज करेंगे हम ठीक है तो इसके हिसाब से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआर अब ये डेल्टा एन जी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स इसे ध्यान देना है यहीं पे कैच है ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स अब इस केस में कितने हैं गैशियस प्रोडक्ट्स एच टू ओ है विच इज वन मोल तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट हो जाएगा वन कितने गैशियस रिएक्टेंट्स हैं एक भी नहीं तो इसीलिए ये तो लिक्विड है ना गैशियस तो नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट हो जाएगा जीरो तो ये हो जाएगा डेल्टा एन हो जाएगा वन तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू है 41 माइनस डेल्टा एन इज वन आर कांस्टेंट होता है विच इज 8.3 इन टर्म्स ऑफ जूल्स और टेम्परेचर क्या हो जाएगा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 273 प्लस 100 दैट इज 373 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.904 किलो जूल पर मोल तो ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ठीक है तो तो ये तो पहला सिनेरियो हो गया सेकंड केस में कह रहा है कि वन मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस तो चलो सेकंड केस यहां पर देखते हैं तो सेकंड केस में हम कहते हैं कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है इसे हम सॉलिड आइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ठीक है तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा देखो इस सिचुएशन में जो डेल्टा एनजी की वैल्यू है दैट विल बी जीरो क्योंकि यहां पे ना तो गैशियस प्रोडक्ट है ना ही गैशियस रिएक्टेंट है और मैंने बताया था कि जब भी हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं तो उनमें डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू विल बी इक्वल टू फोर्टी वन किलो जूल पर मोल हो गया क्वेश्चन सॉल्व अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में अब आप सोचोगे कि मैम अचानक एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ना है पढ़ना है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है अभी थोड़ी देर में मैं पूछूंगी कि एंथैल्पी क्या है फिर आपके दिमाग में वही डाउट्स आएंगे कि एक्सटेंसिव होता क्या है तो चलो ना एक बार में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ठीक है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के साइज़ या क्वांटिटी पे डिपेंड करती है सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वान्टिटी और साइज ऑफ मैटर ठीक है जैसे कि जैसे कि इंटरनल एनर्जी बताया था थोड़ी देर पहले जैसे कि मास जैसे कि वॉल्यूम जैसे कि एंथैल्पी तो यानी कि एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ठीक है दूसरी तरफ जो ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैटर के साइज़ या क्वान्टिटी पर डिपेंड नहीं करती है उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं लेटे सपोज मेरे पास ये बॉटल है ठीक है अब अगर मैं इस बॉटल के साइज को बॉटल क्या है दिस इज मैटर अब इसके साइज को मैंने बहुत बड़ा कर दिया बहुत बड़ा सा बना दिया इस बॉटल को ठीक है तो उससे वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा करेक्ट अगर इसे मैंने बहुत छोटा सा कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा राइट right? तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मैटर के साइज या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है राइट right? तो इसीलिए वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब बात करते हैं टेम्परेचर की अब इस बॉटल के बड़ा या छोटे हो जाने से क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ता है टेम्परेचर तो जितना है उतना ही रहेगा है कि नहीं प्रेशर पे कुछ फर्क पड़ता है नहीं प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा तो प्रेशर टेम्परेचर ये क्या हो गए ये हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो चूंकि इतने टाइम से हम हीट एनर्जी वर्क की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा उसे हीट देना होगा राइट एंड दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय यूनिट डिग्री कोई भी गिवन मास का एक गिवन मास ऑफ सब्सटेंस का अगर यूनिट डिग्री से टेंपरेचर बढ़ाना है तो जितना हीट हम देंगे दैट इज हीट कैपेसिटी तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं हम कहते हैं क्यू इज इक्वल टू सी इन डेल्टा टी वेर सी द कैपिटल सी इज हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग हीट कैपेसिटी होता है अब हीट कैपेसिटी से लिंक्ड एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो देखो नाम जो है ना वो बिल्कुल सेम है सिर्फ इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड ऐड हो गया है इसका मतलब ये भी हीट कैपेसिटी जैसा ही कुछ है बट इसमें कुछ तो स्पेसिफिक है स्पेसिफिक दफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाई यूनिट डिग्री तो यहां पर स्पेसिफिक क्या है मास पहले हम कह रहे थे कोई भी गिवन मास अब हम कह रहे हैं कि यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर अगर रेज करना है तब जितना हीट देना पड़ेगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम कहते हैं क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी तो यहाँ पर देखो एम जो है ये मास जो है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है राइट अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक रिलेशन निकल के आता है विच इज एक्चुअली एम इंटू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी तो चलो देखें कि क्या रिलेशन होता है सीपी और सीवी में ये सीवी क्या है पी ये जो सब्सक्रिप्ट पी है ये बता रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर सबस्क्रिप्ट v बता रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम तो देखो अभी तक हमें क्या पता है अभी तक हमें हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसी तरह जब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर की तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एनथेल्पी इतना तो हमें पता है हमें यह भी पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ठीक है तो डेल्टा एच की जगह हम लिख सकते हैं क्यू डेल्टा यू की जगह हम लिख सकते हैं क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी ठीक है अब अगर हम बात करें एक आइडियल गैस की तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन डेल्ट पी डेल्टा वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लेटर सपोज फिलहाल हम वन मोल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो यानी कि एन की, की वैल्यू वन हो जाएगी तो पी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू तो आर डेल्टा टी ठीक है तो अब मेरा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस आर डेल्टा टी ठीक है अब यहां पर हम लेके आते हैं हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट तो हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि Q जो है दैट इज इक्वल टू C डेल्टा T जहां पर C क्या है C इज हीट कैपेसिटी ठीक है तो अगर मैं Q की बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा टी तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में वापस जाएंगे क्यूपी की जगह हम लिखेंगे सीपी डेल्टा टी उसी तरह क्यू वी की जगह हम लिखेंगे सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डेल्टा टी तो दोनों साइड डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा सीपी माइनस सी इज इक्वल टू आर अब एक बहुत बड़ा सवाल कि यार डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथेलपी इन्हें हम एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हैं तो इसका जवाब है यूजिंग कैलोरी मीटर तो कैलोरी मीटर का जो सेटअप होगा दैट विल आल्सो बी बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट वही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी यानी कि हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सेटअप किया जाएगा कैलोरीमीटर का और उसके हेल्प से हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा यू एंड डेल्टा एच तो मुझे उम्मीद है कि विद दिस वीडियो आपका थर्मो का कॉन्सेप्ट हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर तो अब आगे क्या करना है आपको आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद से कर पाओगे मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय